इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर इंदौर। संत सेवालाल जयंती के उपलक्ष में इंदौर में बंजारा समाज द्वारा संत श्री सेवालाल महाराज की 250वीं जयंती पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में साधु संत सहित हजारों की संख्या में बंजारा समाज ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई। यात्रा के पूर्व पदाधिकारियों ने सभी समाज बंधुओं का दुपट्टा पहनाकर स्वागत भी किया। शोभा यात्रा संयोजक ऋषि राठौर, रामेश्वर पवार एवं भीम राठौर ने बताया कि शोभा यात्रा की शुरुआत संत श्री सेवालाल महाराज की आरती के साथ की गई। शोभा यात्रा के अग्रभाग में बैंड बाजों की स्वर लहरियों पर पताका व ध्वज थामे युवा नाचते झूमते हुए चल रहे थे। वहीं मध्य भाग में युवतियां भी भजनों पर नृत्य करती हुई चल रही थी। शोभा यात्रा में बैंड बाजे, घोड़े, ढोल, ताशों के साथ ही संत सेवालाल महाराज की भव्य झांकी भी थी, जो यात्रा के मार्ग पर मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा बड़ा गणपति मंदिर से प्रारंभ होकर टॉरी कॉर्नर, मल्हारगंज, खजूरी बाजार, राजबाड़ा, एमजी रोड होते हुए गांधी हॉल पहुंची, जहां इस यात्रा का समापन हुआ। यात्रा के मार्ग में विभिन्न सामाजिक मंचों से यात्रा का स्वागत पुष्प वर्षा कर किया गया। बड़ा गणपति से जैसे जैसे संत सेवालाल महाराज की शोभा यात्रा आगे बढ़ी, वैसे वैसे लोग जुड़ते चले गए। संत सेवालाल जी महाराज के जयकारों से पश्चिमी क्षेत्र गूंज गया। संत सेवालाल महाराज की जन्म जयंती पर बंजारा समाज के द्वारा प्रतिवर्ष शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष यात्रा की कमान युवाओं को सौंपी गई थी। शोभा यात्रा में इंदौर को स्वच्छ व ट्रैफिक में भी नंबर वन बनाने के लिए संदेश दिया गया। बड़ा गणपति से गांधी हॉल तक के मार्ग में युवा एवं मातृशक्तियां संत श्री सेवालाल के जयकारे को लगाते हुए चल रहे थे। यात्रा में विधायक रमेश मेंदोला, सुदर्शन गुप्ता, प्रकाश मनावत, राजू मनावत, दीपक तिवारी सहित हजारों की संख्या में बंजारा समाज के लोग उपस्थित थे। यात्रा संयोजक मोहन राठौर ने बताया कि गांधी हॉल पर यात्रा के समापन के पश्चात महाप्रसाद का आयोजन हुआ, जिसमें बंजारा समाज के 3,000 से अधिक समाज बंधुओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। शोभा यात्रा एक नगर कीर्तन निकाल दिया और ये परंपरागत 8वां-9वां वर्ष है इसका, और आप लोग भी लगातार साथ में आई रहो, आप सब मीडिया बंधुओं का भी सहयोग मिल रही है। और चूंकि इंदौर में पूरे मालवा प्रांत से लोग इंदौर में रहते हैं, तो यहाँ पूरे मालवा के लोग बाग इस यात्रा में बंजारा समाज इंदौर यहाँ पर आज एकत्रित हुआ है। संत सेवालाल जयंती के उपलक्ष्य में 11 फरवरी रविवार के दिन यहाँ से बड़ा गणपति से राजबाड़ा होते हुए गांधी हॉल में समाप्त होगी। वहाँ पर भोजन प्रसादी का व्यवस्था रखी गई है। पूरे करीबन 8 वर्षों से लगातार यहाँ से हमारी शोभा यात्रा निकलती है। पूरा बंजारा समाज बहन अपने पोशाक पहनकर यहाँ पर आती है और नृत्य करते हुए, और पूरे के पूरे समाज हर्षोल्लास के साथ में राजबाड़े होते हुए गांधी हॉल को प्रस्थान करेगी। आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में पूरे इंदौर शहर के हमारे बंजारा भाई, माता, बहने, युवा साथी 11 फरवरी ऐसे 15 फरवरी को हम सेवालाल जयंती मनाते हैं, पर 11 फरवरी इसलिए चुना ये छुट्टी का दिन है और भीड़ के कारण यातायात प्रभावित नहीं हो, इसलिए इंदौर शहर मध्य प्रदेश में एक पहला शहर है जो साफ सुथरा शहर है, पूरी दुनिया में अपना नाम है उसका। तो नाम ना खराब होते हुए हम उसी में सहयोग, उसी कड़ी में सहयोग करते हुए हमने आज का दिन इसलिए चुना कि ट्रैफिक बाधित ना हो और परेशानी ना हो किसी को, इसी कारण आज हम नहीं आते। भाई भाई मैं तो अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ, मैं बंजारा समाज में बिलोंग करता हूँ। बंजारा समाज ऐसा समाज है, एक ऐसा समाज है जो अपनी पूरी संस्कृति को, अपनी वेशभूषा और अपनी बोली से पूरे भारत के अंदर प्रभावित है।